जैसे कृष्णा, नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम एप्पल का हलवा। वो खाने में टेस्टी और हेल्दी रहता है। इस हलवे को आप कब भी बना सकते हैं, या नवरात्रि, या ग्यारस, या आप जो भी उपास करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उसमें आप बनाकर खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहता है, और इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलो बनाते हैं। सेम का हलवा बनाने के लिए हमने ये 3 सेम लिया है, और इससे हम इसके इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। सारे छिलके हटा देंगे इसके। ये देखिए, हमने 3 सेब को अच्छे से छील लिए हैं। अब करेंगे हम कद्दूकस। तो कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से सारे सेबों को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने 3 सेब को कद्दूकस कर लिया। ये देखिए, सेम को हम ज़्यादा देर रखे नहीं रहने देंगे। कद्दूकस करते ही काला पड़ जाता है, तो ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे। ये कढ़ाई रख दी है, गैस चालू कर दिया। अभी इसमें घी डालेंगे हम। तो मैं इसमें घी डाल दूंगी, 1 चम्मच, 2 चम्मच घी डालूंगी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें काजू बादाम। तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो मैं साबुत ही डाल रही हूँ, और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारे काजू बादाम अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हमने देसी घी लिया है, आपके पास जैसा हो वो ले सकते हैं। अब डाल देंगे हम एप्पल, पहले से कद्दूकस करके रखे हुआ हुआ है। ये देखिए, हमने डाल दिया है, और इसे हम धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूंज लेंगे, अच्छे से पकने देंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए, ये पतला पतला हो गया, इसमें पानी छोड़ दिया है, तो थोड़ा पतला दिख रहा है। तो इसे हम अच्छे से पकाएंगे, तो ये पानी को अच्छे से सोख लेगा। एक देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुकी है, और हमारे हलवा अच्छे से पानी सोख लिया है। अब डालेंगे मैं इसमें चीनी। तो मीठा आपके हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा, ऐसे भी एप्पल मीठा ही रहता है, तो चीनी थोड़ी कम में डालें। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने, ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और पानी भी छोड़ दिया है। अब हमें अच्छे से इसका पानी को सोखने देंगे और पकने देंगे। ये देखिए, चीनी ने अच्छे से पानी, ये सॉरी, हलवा ने अच्छे से चीनी का पानी सोख लिया है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं डालना है। दूध डालते ही वापस से पतला हो गया है। अब 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, दूध वूध सोख ले। अब डाल देंगे हम काजू बादाम, पहले से हमने भून कर रखे थे। अब डालेंगे हम इलायची, दरदरी सी कूटी हुई। ये देखिए, हमारा हलवा बन के तैयार है एप्पल का। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। तो फ्रेंड, हमारे एप्पल का हलवा बनके तैयार है।
ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप भी एक बार ज़रूर बनाना। तो ये हलवा व्रत में खाया जाने वाला है। तो आप कोई सा भी व्रत करते हैं, ये नवरात्रि या ग्यारस, जो भी आप व्रत करते हैं उसमें आप बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में भी टेस्टी रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप व्रत में ही बनाकर खाएं, आप जब मन करे जब बनाकर खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो फ्रेंड आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करना इस तरीके से। आपके घर में बड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।